बच्चों, आज हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोर्थ लेक्चर है और आज हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन लगाएंगे वो बेस होंगे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रॉम्बस पे। तो हमको पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना होगा। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है सामने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल स्लैश करके पैरेललोग्राम, ठीक। तो हमको पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है कि अगर ये कोऑर्डिनेट में क्वेश्चंस आते हैं तो हमको रेक्टेंगल के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी और पैरेललोग्राम के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी। तो अगर हम बात करें बेटा केवल रेक्टेंगल की, यहाँ पे अभी हम बात करते हैं केवल रेक्टेंगल की, ठीक। तो रेक्टेंगल में क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, ठीक। तो सोचिए रेक्टेंगल कैसा है, चार साइडों का फिगर होता है। चार साइडों में भी कैसा होता है, दो साइडें इक्वल होती हैं, ठीक, या आप बोल सकते हो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक। चाहे वो आप बात करो रेक्टेंगल की, चाहे बात करो पैरेललोग्राम की, दोनों में ही बेटा क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक। साथ ही साथ में रेक्टेंगल में ये होता है कि इसके ऑल द फोर एंगल आर ऑफ 90 डिग्री ईच, जो इसके कॉर्नर पे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं सारे के सारे, ठीक। साथ ही में तीसरी चीज होती है बोथ डायगनल्स आर इक्वल, जो डायगनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो देखिए रेक्टेंगल और जो हमारा पैरेललोग्राम है दोनों सेम तरीके का डायग्राम होता है। जो रेक्टेंगल होता है वो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम होता है बेटा, जहाँ पे ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, ठीक। साथ ही साथ में फोर कॉर्नर्स पे ये हमारे एंगल बन रहे हैं, ये हमारे 90 डिग्रीज के होंगे। साथ में एक ये डायगनल बन रही है बेटा और एक ये डायगनल बन रही है, दोनों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पहली चीज तो वही है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक। पहला तो वही है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, और सेकंड जो होता है वो होता है बोथ डायगनल्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल के केस में क्या था कि हमारे डायगनल्स इक्वल होते थे, बट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। तो जो हमारा जो पैरेललोग्राम होता है वो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, आपने देखा होगा हल्का सा साइड की जो लाइंस होती हैं वो थोड़ी सी तिरछी टाइप की होती हैं और इसके कोई भी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, 90 डिग्री से कम हो सकते हैं या 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकते हैं। इसका ये डायगनल और ये डायगनल इक्वल नहीं होता है, ठीक, बट ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ठीक। तो अगर अब हम बात करते हैं नीचे जो आपको हेडिंग दिख रही होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर एंड रॉम्बर, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है बेटा, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसकी सारी साइडें इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक। फिर सेकंड में क्या होता है, ईच एंगल जो होता है बेटा, फोर एंगल्स होते हैं, हर एक एंगल ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक। फिर बोथ डायगनल्स आर इक्वल, ठीक, ये बात हो गई हमारे स्क्वायर की। अब बात करते हैं बेटा रोम्बस की, ठीक। तो अगर हम रोम्बस की बात करें
तो रोम्बस में क्या होता है, जैसे हमने अभी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में देखा, सब चीज़ें सेम थी बट एक ही चीज़ अलग थी, वो थी उसकी डायगनल। सेम वही चीज़ रोम्बस में होता है कि रोम्बस की सारी साइडें तो बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगनल्स जो होते हैं वो इक्वल, डायगनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक, तो हमको इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, जो कि पेपर में आने के चांसेस भी रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन इनके बिहाफ पे। तो ये रहा बेटा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, कह रहा है सो दैट द पॉइंट ए 6.2, बी 2.1, सी 1.5 एंड डी 5.6 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, वर्टिसेस मतलब होता है पॉइंट्स, तो ए बी सी जो हमारे, ए बी सी और डी जो हमारे पॉइंट हैं वो स्क्वायर के पॉइंट हैं, हमको ये शो करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और साथ ही साथ में उसका जो डायगनल होता है वो भी कैसा होता है, इक्वल होता है। तो हम अगर इन चीज़ों को प्रूव करके दिखा देते हैं कि भाई ऐसा है, तो क्या होगा, हम बता देंगे कि वो स्क्वायर है। तो देखिए, तो हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हमारे पास ए पॉइंट कितना है बेटा, 6.2, बी पॉइंट हमारे पास है 2.1, सी पॉइंट है 1.5 और डी पॉइंट जो है बेटा वो है 5.6। तो देखो बच्चे, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर है अगर, ठीक, हमने नाम इसका लिखा है ए बी सी और डी। तो देखो बच्चों, ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होनी चाहिए बी सी की और सी डी के और ए डी के बराबर, मतलब चारों साइडें हमारी बराबर होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए बी सी के, बराबर होनी चाहिए सी डी के और बराबर होनी चाहिए डी ए के या ए डी के। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालने जाएं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखें डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब हमने आपको बताया था फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, कि हम बेटा सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला है बी, तो हमने पहले बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे फर्स्ट ब्रैकेट में और फिर सेकंड ब्रैकेट में। ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट में आता है एक्स का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे जो बी का एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो है 2, फिर यहाँ लगता है माइनस साइन, फिर यहाँ पे है बेटा वाई का कोऑर्डिनेट 1 माइनस। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो यहाँ पे एक्स वाले की जगह पे आएगा 6, ठीक, और इस पर हो गया स्क्वायर 1 आ चुका है। अब ए का कोऑर्डिनेट लिखना है मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 16+1, दैट इज √17। तो जो हमारी वैल्यू आई है ए बी की वो आई है √17, और अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, अब देखिए बेटा पहले सी के कोऑर्डिनेट रखेंगे फिर हम रखेंगे बी के कोऑर्डिनेट। तो देखिए हमने स्क्वायरिंग दोनों तरफ लगा ली, अब देखिए पहले हम सी का कोऑर्डिनेट रखते हैं, तो सी का कोऑर्डिनेट है एक्स पे 1 माइनस बी का कोऑर्डिनेट एक्स पे कितना है 2, फिर सी का कोऑर्डिनेट वाई पे है 5 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वाई वाले एक्सिस पे वो है 1। अगर हम इसको बेटा सॉल्व करें तो ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर हम बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी आ जाएगा √17, 1 का स्क्वायर 1
फोर का स्क्वायर 16, 1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू रूट 17 आ जाएगा। अब बेटा हम निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ सी डी, ठीक। तो बेटा यहाँ पे हमारे जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो है 1.5, और डी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 5.6, ठीक। तो अब जब हम सी डी की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मतलब डी वाले को रखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे सी वाला। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा, तो देखिए डी वाले में यहाँ पे है 5, पहले एक्स वाले लिखते हैं 5, माइनस लगाया 1 है, माइनस 1 कर दिया, 6 है, माइनस कर दिया 5, ठीक। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कितना बचा, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 17, तो ये भी रूट 17 आ गया, ठीक। अगर अब हम बेटा डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ऑफ ए डी अगर हम निकालें, तो अब आप समझिए ए का कोऑर्डिनेट है बेटा 6.2, डी का कोऑर्डिनेट है 5.6। तो देखिए अब जब हम यहाँ पे वैल्यू रखने जा रहे हैं तो क्या होगा, पहले डी की वैल्यू रखी 5, माइनस किया 6, 6 रखी और उसमें से माइनस किया 2, ठीक। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया रूट 17, ठीक। तो हम देख रहे हैं सिंस ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये हमारी चारों साइड्स तो क्या हो गई, इक्वल हो गई। बट स्क्वायर के केस में हमको चारों साइड इक्वल दिखाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके डायगनल्स को भी इक्वल दिखाएंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में हमने डायगनल बनाया था उसमें हमारा डायगनल कौन कौन है, एक डायगनल हमारा ए सी है और एक डायगनल हमारा बी डी है, ठीक। तो देखिए अब हम डायगनल की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो डायगनल हमारा है ए सी, तो डायगनल डिस्टेंस ऑफ डायगनल ए सी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट है 6.2 और सी का कोऑर्डिनेट है बेटा 1.5। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने बोला ना कि सेकेंड वाले मतलब सी वाले कोऑर्डिनेट्स में से एक ही कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 6 और ये हो गया 5 माइनस 2। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू आई रूट -5 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो गया कितना, 25, और 3 का 9। तो बेटा ये वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 34, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम निकालते हैं डायगनल, डिस्टेंस ऑफ डायगनल बी डी, ऑफ डायगनल बी डी, तो बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमको पहले यहाँ पे देखिए बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 2.1 और डी के हैं बेटा 5.6। हमने यहाँ पे क्या किया, डी वाले में से घटाएंगे 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 34। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो ए सी है वो भी बराबर हो गया बी डी के, ठीक, दोनों चीज़ें बराबर हो गई। तो देयर फोर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक। क्यों हुआ स्क्वायर, क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर हैं और साथ ही साथ में इसके डायगनल्स भी बराबर हैं, ठीक। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा है सो दैट ए 1.2, बी 4.3, सी 6.6, डी
3.5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो पैरेललोग्राम बोल रहा है मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती थी, जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, और साथ में उसके जो डायगनल्स हैं वो भी अनइक्वल होने चाहिए। तो अब हम इस चीज़ को अगर प्रूफ कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, और साथ ही साथ में आगे वो हमसे कह रहा है कि सो दैट ए बी सी डी इज़ नॉट रेक्टेंगल। तो बेटा जब उसने बोला कि ए बी सी डी रेक्टेंगल ना हो, तो ए बी सी डी अगर रेक्टेंगल होगा तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और साथ में उसके डायगनल्स भी तो इक्वल होंगे। ठीक, अगर डायगनल इक्वल नहीं आते हैं मतलब कि वो पैरेललोग्राम है और क्या कहते हैं रेक्टेंगल नहीं है, साथ ही साथ में उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए तभी वो पैरेललोग्राम हो पाएगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो हमारे पास ए पॉइंट दिया है 1.2, बी पॉइंट दिया है 4.5 सॉरी 4.3, सी पॉइंट दिया है 6.6, डी पॉइंट दिया है 3.5। ठीक, तो अब देखिए हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मान के चलिए कि कुछ ऐसा डायग्राम होगा ये। ठीक, ए बी की वैल्यू, ए बी सी और डी। ठीक, मतलब ए बी जो है बराबर होगा सी डी के, और ई डी जो बराबर होगा वो बराबर होगा बी सी के। तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक, तो चलिए हम पहले बात करते हैं ए बी और सी डी को प्रूफ करने की, भाई ऐसा है कि नहीं, इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम जाएं डिस्टेंस निकालने बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, बी वाले कोऑर्डिनेट्स में से ए वाला कोऑर्डिनेट्स घटेगा कि नहीं घटेगा, तो बी वाला कोऑर्डिनेट क्या है, फोर, फोर में से बन गया, ठीक, थ्री, थ्री में से टू गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची है, ये हमारे पास वैल्यू बची 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब बेटा √10। ठीक, कोई दिक्कत। फिर देखिए अगर अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, अगर हम डिस्टेंस निकालें ए बी को हमको दिखाना था सी डी के बराबर, तो हम डिस्टेंस अब निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, ठीक, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास है कितनी 3.5, और सी की वैल्यू है 6.6, तो मतलब 3 में से 6 कैंसिल आउट होगा, 3 माइनस 6 का स्क्वायर और 5 माइनस 6 का स्क्वायर, तो बेटा हमारे पास बचा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी तो अंडर रूट के अंदर 10 ही आएगा। तो देखिए हमारी ए बी बराबर सी डी है कि नहीं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी की वैल्यू है दोनों बराबर, ये तो चलिए प्रूफ हो गया। बट अभी हमको ये भी देखना है कि भाई बी सी की वैल्यू ए डी के भी बराबर होनी चाहिए। तो अब हम चलेंगे बी सी को निकालने, तो देखिए डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, सी की वैल्यू कितनी है 6.6, 6 माइनस 4, क्योंकि बी की वैल्यू है 4.3 प्लस 6 माइनस 3, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज √13। ठीक, कोई दिक्कत। फिर अब देखिए डिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ए डी, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट डी की वैल्यू में 3 पहले रखेंगे एक्स का, उसमें से फिर क्या करेंगे ए वाले को कैंसिल करेंगे एक्स वाला जो है, प्लस 5 में से बेटा 2 का कैंसिल, फिर ये हमारे पास बना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी तो √13 आएगा। मतलब कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें हो गई कि भाई अपोजिट साइड्स तो इक्वल है। ठीक, देयर फोर यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर अपोजिट
साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई हैं, बट हमने बताया ना कि पैरेललोग्राम की बात हो रही है, मींस कि उसके जो डायगनल्स होंगे वो कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक, मतलब वो बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे डायगनल्स जो हैं वो कौन कौन हैं, एक डायगनल है ए सी और एक डायगनल है बी डी। तो हमको ए सी और बी डी की वैल्यू अब दिखानी है कि वो बराबर नहीं है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब हम दिखाने जाएंगे कि वो बराबर नहीं है, तो अब हमको करना ये है कि हम दिखा दें कि भाई ए सी की वैल्यू बराबर नहीं है किसके, बी डी के, ठीक। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है, ठीक। यहाँ पे आप लिखिएगा नहीं इसको। तो अब हम करने क्या जाएंगे बेटा, अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। तो ए की वैल्यू जो है वो है 1.2 और सी की जो वैल्यू है वो है 6.6। तो देखिए बेटा 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 16 मतलब बेटा √41। फिर हम अब डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं किसकी, बी डी की, ठीक। तो बी हमारे पास कितना है 4.3 और डी जो है हमारे पास है 3.5। तो देखिए बी डी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो डी में से बी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 1, देखिए -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 मतलब √5। तो देयर फोर ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, ठीक। देयर फोर डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ग्राम, सो ए बी सी डी इज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक। हमको यही प्रूफ करना था कि भाई वो पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है, तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की, ठीक। तो आप इससे रिलेटेड जो आपको पीडीएफ दी है उन क्वेश्चंस को लगाइए और मेरे को अपने जो सॉल्यूशंस हैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे को भेजिए, जिससे मैं आपको बता सकूं कि जो आप लोग लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।